दाऊ जी का नाम, अनंत का नाम, संकर्षण का नाम कोई एक बार सुन ले, पीड़ा में, कष्ट में, आधी में, व्याधि में अथवा हंसी में श्री दाऊ दादा का, बलभद्र प्रभु का, शेष भगवान का, संकर्षण भगवान का, अनंत भगवान का नाम ले ले, तो लेने वाले के तो पाप नष्ट हो ही जाते हैं, वो नाम जिसने लिया है उसको सुनने वाले के भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान शेष को छोड़ करके मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय लेते हैं? यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेद् अकस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा हन्त्यंहः सपदि नृणामशेषमन्यम् कं शेषाद् भगवत आश्रयेन् मुमुक्षुः। संसार चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाला कौन ऐसा है जो दाऊ जी का के पवित्र नाम का आश्रय न ले? जय शंकर शरण जय बलराम रेवती रमण प्रभु अति अभिराम। जय शंकर शरण जय बलराम रेवती रमण प्रभु अति अभिराम। जय शंकर शरण जय बलराम रेवती रमण प्रभु ललित ललाम। जय शंकर शरण जय बलराम रेवती रमण प्रभु ललित ललाम। श्री कृष्णाग्रज श्री बलराम रोहिणी नंदन ललित ललाम। श्री कृष्णाग्रज श्री बलराम रोहिणी नंदन ललित ललाम। रोहिणी नंदन ललित ललाम रोहिणी नंदन ललित ललाम। इनके नाम की महिमा, ये कभी ठाकुर जी का साथ नहीं छोड़ते, कभी नहीं। इनके विविध अवतार होते रहते हैं। श्री वैकुंठ में भगवान का पर्यंक बनकर विराजते हैं, शेष पर्यंक पर भगवान पहुंचते हैं क्षीर सागर में और महावैकुंठ में। नित्य गोलोक में बलभद्र प्रभु के रूप में विराजते हैं। श्री रामावतार में वे अनुज के रूप में विराजते हैं, लक्ष्मण जी के रूप में विराजते हैं और श्री कृष्णावतार में अग्रज के रूप में विराजते हैं। और इसके बाद व्याकरण शास्त्र को सुरक्षित करने के लिए, महाभाष्य लिखने के लिए सर्वप्रथम पतंजलि के रूप से प्रकट होते, ये शेष जी का ही अंश है, महर्षि पतंजलि। केवल व्याकरण को ही पुष्ट नहीं किया, तीन ग्रंथ लिखे पतंजलि जी ने, पातंजलि योग प्रदीप योग दर्शन, योग के ऊपर भी लिखा, व्याकरण महाभाष्य लिखा और आयुर्वेद के ऊपर भी उन्होंने लिखा पतंजलि महर्षि ने। इसलिए योगेन चित्तस्य यमेन वाचम, पतंजलि जी के लिए भी, योगेन चित्तस्य यमेन वाचम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरान तोस्मि। ऐसे महर्षि पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं। जैसे भी भगवान की प्रेरणा भई हो, श्री रामदेव बाबा जी ने
जो अपने प्रकल्प का नाम पतंजलि महर्षि के नाम से रखा, ये देखकर दास को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा ही होना चाहिए, अपने पूर्वाचार्यों का महर्षि का नाम, और निश्चित ही इस प्रकार से उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ही यह दिव्य परिणाम है जो आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में पतंजलि छा गए किसी न किसी रूप में। तो पतंजलि के रूप में, और फिर जब श्री दक्षिण भारत में भूतपुरी में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए, स्थापना के लिए श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में यही दाऊ दादा ही प्रकट होते हैं, और जब अवतार विदित पूरब मही, अवतार विदित पूरब मही, उभे महंत देही धरी श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की, भक्ति दसों दिश विस्तरी। जब भारतवर्ष के पूर्वी क्षेत्र में श्री नवद्वीप धाम में पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ सची माता की कुक्षी से फाल्गुन पूर्णिमा को श्री चैतन्य रूप में भगवान प्रकट होते हैं, तब उनके परिकर के रूप में श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में एक चक्रानगरी में आपका आविर्भाव होता है। ठाकुर जी का संग नहीं छोड़ते हैं, हमेशा संग रहते हैं। ठाकुर जी आएंगे तो उनको तो आना ही है। हमारे महाराज जी कहते थे, खाक चौक वाले महाराज जी, बच्चा सिद्ध साधक का जोड़ा होता है, बड़े से बड़ा सिद्ध आ जाए, कोई साधक ना होवे तो सिद्ध को कौन जाने, वो सिद्ध साधक का जोड़ा होता है, ऐसी भक्त भगवान का जोड़ा होता है, सिद्ध साधक का जोड़ा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज जी